नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। कोरोना के चलते झारखंड में बेकाबू हालात, काम करने को तैयार नहीं सरकारी कर्मचारी, आज से सचिवालय कर्मी छुट्टी पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने भले ही अभी तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकारी कर्मचारी वर्तमान स्थिति में काम करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि झारखंड राज्य सचिवालय सेवा संघ ने 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है। रविवार को ऑनलाइन बैठक कर सचिवालय सेवा संघ ने सर्वसम्मति से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी सक्षम अधिकारियों को भी दे दी है। हालांकि इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मियों को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। झारखंड में आज 50 लोगों की मौत हो गई, 3992 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। मरने वालों में पूर्वी सिंहभूम में 17, रांची में 11, गोड्डा में 4, दुमका, गुमला, खूंटी, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ में 2-2, चतरा, धनबाद, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज तथा पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत इलाज के क्रम से हो गई। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से रविवार को एक बार फिर से 50 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में राज्य में 3992 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। अब जाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,010 हो गई है। किस जिले में कितने संक्रमित पाए गए, आइए जानते हैं। बोकारो से 113, चतरा से 141, देवघर से 141, धनबाद से 174, दुमका से 63, पूर्वी सिंहभूम से 676, गढ़वा से 72, गिरिडीह से 27, गोड्डा से 55, गुमला से 52, हजारीबाग से 115, जामताड़ा से 113, खुट्टी से 147, कोडरमा से 287, लातेहार से 101, लोहरदगा से 23, पाकुड़ से 2, प्लामू से 47, रामगढ़ से 80, रांची से 1073, साहेबगंज से 143, सरायकेला से 135, सिमडेगा से 96, पश्चिमी सिंहभूम में 116 लोग नए संक्रमित पाए गए। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई जिलों में 20 और 21 अप्रैल को 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में आज से 23 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। 20 और 21 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता की मात्रा 46% और न्यूनतम 30% रही। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ बैठक कर स्कूल, कॉलेज और परीक्षा संबंधित अहम फैसला लिया। साथ साथ में झारखंड के वासियों से भी आग्रह किया है। आइए सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुछ बातों को। झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक निर्णय, प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाए, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं।
इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो इन लोगों जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राजहित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे बूढ़े नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को, अपने चीजों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो, नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीजों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें, भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, ये हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। झारखंड सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी गाइडलाइंस को लेकर बताया कि अगले आदेश तक सभी इंडोर और आउटडोर कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ शादी की छूट अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में हो सकेगी। इसके अलावा एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, IIT, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास और प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि नए गाइडलाइंस के अनुसार सभी तरह की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे और मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी। सभी स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट में क्षमता का 50% लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। रेस्टोरेंट और क्लब रात्रि 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, जबकि सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो यात्रियों के लिए मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य होगा। झारखंड के भाजपा विधायक की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर हैदराबाद में किया भर्ती, शिक्षा मंत्री को ठीक करने वाले डॉक्टर करेंगे इलाज।
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कोरोना संक्रमित विधायक इंद्रजीत महतो की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका फेफड़ा संक्रमित हो गया है। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 12 अप्रैल को विधायक को धनबाद के एशियन जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की सलाह दी। इसके बाद शनिवार को एयरलिफ्ट कर हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद में यशोदा अस्पताल में विधायक का इलाज डॉक्टर अपर जिंदल की देखरेख में होगा। डॉक्टर जिंदल फेफड़ा रोग के विशेषज्ञ। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उनका इलाज एशियन जलान अस्पताल धनबाद में चल रहा था। इलाज के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फेफड़ा संक्रमित हो गया है। ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य से नीचे चल गया, इसे देखते हुए चिकित्सकों ने बाहर ले जाने की सलाह दी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।